पौड़ी में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायरिंग का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसका भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। कश्मीर से आदिल अशरफ की जे रिपोर्ट। कश्मीर में कुछ घंटों की बारिश के कारण दुकानों और सड़कों में जलभराव हो गया, जिसके कारण दुकानदारों को हो रहा काफी नुकसान। कश्मीर से आदिल अशरफ की जो रिपोर्ट। जम्मू में पैंथल पार्टी ने आगामी राज्य विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। इस पर पार्टी दोबारा 3 अगस्त को जम्मू में महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा। जम्मू से अमित कुमार की रिपोर्ट। ये ऐलान कर रही है कि 3 तारीख यानी 3 अगस्त को चंडी पैंथर्स पार्टी एक सेविका सफाई कर्मचारी यूनियन ने काम छोड़ो हड़ताल का आज चौथा दिन है, जिसके चलते सफाई कर्मचारी यूनियन ने दोबारा दोपहर को एक रोष रैली निकाली गई, जिसके दौरान नगर निगम जम्मू के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। जम्मू से कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट। सर बताएं जो आपकी देर से कल मीटिंग हुई थी। सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं, जेकेपी का धन्यवाद करता हूं, जेके पुलिस का। श्रीनगर में प्रचलित स्थिति के बारे में कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होल्डर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बारिश होता है और सारा श्रीनगर इसी के साथ बह जाता है। आज तक हमें ये समझ में नहीं आया, 2014 से हम बार बार स्टेट गवर्नमेंट को ये बता। तहसील अरनास में बार बार कहने पर भी गृह विभाग कर रहा है अनदेखी, नहीं सुन रहा लोगों की गुहार। लोगों ने तहसीलदार अरनास और डीसी रियासी को की अपील, कल अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो जिम्मेवार गृह विभाग होगा। हाँ जी जी, मेरा नाम मास्टर मोहम्मद इसाक, मैं यहाँ रहता हूँ अरसा, 20-25 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। और ऐसा राज्यपाल ने कहा कि राज्य में सब कुछ सामान्य है और लोगों को अफवाहों पर ध्यान देना नहीं चाहिए। कश्मीर से आदिल अशरफ की जो रिपोर्ट। जनरल यही एटीट्यूड होना चाहिए किसी भी लीडर का, शासक का, जो रन कर रहा है स्टेट को।